तो आज हम लोग देखेंगे कि बोल्ट फिक्सिंग कैसे किया जाता है। बोल्ट फिक्सिंग का अलग अलग पर्पस इक्विपमेंट के लिए किया जाता है, स्ट्रक्चरल मेंबर को फिक्स करने के लिए, कॉलम फिक्स करने के लिए किया जाता है, स्टील स्ट्रक्चर का इक्विपमेंट्स का फाउंडेशन भी बनता है जिसमें बोल्ट रहता है, इक्विपमेंट फिक्स किया जाता है। इसके अलावा और भी छोटा छोटा चीज़ है, जैसे हम जो केस को डिस्कस करेंगे उसमें एक सोलर पैनल है, उसका फोटोग्राफ के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और होता क्या है, क्या परेशानी आ सकता है कि अगर बोल्ट फिक्सिंग ठीक से नहीं होता है, तो वो भी आपको दिखलाएंगे। तो देखिए, इसमें सपोज़ कीजिए कि पेडेस्टल का प्लान दिख रहा है, इसमें चार चार बोल्ट है सभी में। देखिए, चार चार बोल्ट हैं, ये बोल्ट रखिए, चार चार बोल्ट है। तो इसको फिक्स करने के लिए क्या, तो ये बोल्ट चार चार बोल्ट का है, चार पेडस्टल है, आगे कैसे इसमें हम लोग करेंगे। तो देखिए, ड्राइंग में किसी भी ड्राइंग में आपको मिलेगा, उसमें दिया रहता है सभी पेडस्टल का सेंटर लाइन रहेगा। तो देखिए, ऐसा सेंटर लाइन रहेगा, ऐसा देखिए, सेंटर लाइन बेसिकली ऐसा होता है ना, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हम डायरेक्ट ऐसा दिखला रहा है आपको, ऐसा दिखला रहा है, ठीक है। चार चार बोल्ट है, फिगर को समझ लीजिए। सेंटर लाइन का नाम भी हो सकता है, जैसे इसका नाम ए डाल दिया, ए, इसका बी हो गया, इसका वन है, इसका टू, कुछ भी ऐसा नाम हो सकता है। अब क्या है कि सेंटर लाइन है तो जो ड्राइंग में डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले वो हम चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस है, ये चेक कर देंगे। अब सेंटर लाइन फिक्स हो गया है तो पेडेस्टल पर सेंटर लाइन डाल लेंगे या सूता डाल देंगे। फिर हम क्या देखते हैं उसमें कि उस सेंटर लाइन से हमारा बोल्ट का डिस्टेंस कितना है, मतलब अगर यहाँ से ले तो जो ड्राइंग में दिया हुआ है उस हिसाब से यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस होगा, ठीक है, सभी प्रश्न यहाँ से यहाँ क्या डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से सेंटर लाइन से सभी बोल्ट का डिस्टेंस लगेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम चेकिंग चेकिंग को और एडवांस करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि ये सेंटर लाइन का जो डायगोनल है, यहाँ से यहाँ क्या होता है, यहाँ से यहाँ क्या है, क्या मिल रहा है साइट पर और ड्राइंग में क्या है, ये देख लिए। इतना देखने से आपको करीब करीब सब चीज़ मिल जाना चाहिए, लेकिन फिर भी और अधिक सावधानी हमको बरतना है। तो कोई भी बोल्ट पकड़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक ये बोल्ट हो गया, ठीक है, एक ये बोल्ट हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ डायगोनल नाप लिए हम, ठीक है, डायगोनल मेजर किए, फिर इसको चेक कैसे करेंगे हम, तो ड्राइंग में ऑटोकैड से डिस्टेंस निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, साइड पर कितना मिल रहा है वो देख लीजिए, एक और डायगोनल ले लेंगे, ठीक है, और ऐसे और करना है तो और दो बोल्ट पकड़ के उसका डिस्टेंस कुछ भी आप कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि एक ये बोल्ट ले लिए, एक ये बोल्ट ले लिए, ठीक है, फिर इसका डिस्टेंस चेक कर लिए, साइड पर कितना है, ड्राइंग में कितना है, कैलकुलेट कीजिए या ऑटोकैड से निकालिए। अब तो हो गया बोल्ट का कहानी। अब हम आपको ये बताएंगे कि अगर बोल्ट फिक्सिंग अगर ठीक नहीं हुआ है, बोल्ट फिक्सिंग अगर ठीक नहीं हुआ है तो हमको क्या परेशानी आ सकता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो अभी वीडियो फिर से पॉज करना पड़ेगा और आगे हम देखते हैं उसको निकाल कर। वीडियो फिर से रिज्यूम हुआ है। अभी आप देखिए, ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, सोलर पैनल है। फर्स्ट फोटोग्राफ देखिए, जो दूर में जो दो वर्टिकल मेंबर दिखाई दे रहा है वो टिल्ट हो गया है। नीचे देखिए, पेडेस्टल के ऊपर जो सेकंड नंबर फिगर में है, बोल्ट अपने जगह पर नहीं होने के कारण बेस प्लेट को एक कट कर दिया है। थर्ड फिगर देखिए, फिर वर्टिकल मेंबर टेढ़ा है। फोर्थ देखिए, उसमें भी स्लॉट कटा है। स्लॉट कटने से
बेस प्लेट का स्ट्रेंथ खराब होता है, जो पिच डिस्टेंस है वो खराब हुआ। वर्टिकल मेंबर जैसे फिगर नंबर 1 और 2 में दिख रहा है, अगर टेढ़ा में रहा है तो जो मेंबर है उसमें जो कैलकुलेटेड डिजाइन स्ट्रेस होता है, टेंशन या कंप्रेशन या जो भी चीज़, और ओरिएंटल मेंबर है उससे गड़बड़ हो जाता है, उससे अधिक हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, उसका इफेक्ट आपको जो इक्विपमेंट है या इसमें जो देख रहे हैं फोटोग्राफ 1 और 2 नंबर में सोलर पैनल दिखाई दे रहा है उसके ऊपर पड़ेगा। तो ये तो छोटा स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर कोई बड़ा स्ट्रक्चर में ये सब चीज़ हो जाए तो आपको पूरा का पूरा फाउंडेशन जो है या जहाँ तक बोल्ट गया हुआ है वो पूरा सिस्टम को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ में ध्यान रखिए, इंजीनियर को खुद साइट पर जाके इसको चेक करना का है, ठीक है। किसी को भरोसा नहीं रहना है, ड्राइंग अप्रूव होना चाहिए, बोल्ट जब इरेक्शन हो जाता है टैकिंग कर देता है उसके बाद जाकर आप चेक कीजिए कि ड्राइंग के साथ मिल रहा है कि नहीं। साथ साथ बोल्ट जो है सो बढ़िया से उसमें फिक्स किया हुआ है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कंक्रीटिंग करने के टाइम में इधर उधर हो जाए। बोल्ट फिक्सिंग के बारे में हम अलग से वीडियो डालेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही है साथ, तो थैंक यू समय देने के लिए और धन्यवाद।